हेलो दोस्तों, फिर एक बार सभी का हमारी डिजाइन ऑटोमेशन की इस पीएलसी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम कोडासिस में कंपेयर देखने वाले। तो कंपेयर में हम इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन और इक्वल ही देखने वाले। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पल्स इनपुट देने के लिए इनको एक काउंटर लेते। तो काउंटर के लिए हम काउंटर को पल्स देने के लिए यहाँ पे हम एक इनपुट लेते हैं। तो इसको मैं एक एड्रेस देता हूँ, परसेंटेज IX0.0। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक काउंटर लेता हूँ। तो काउंटर लेने के लिए असाइन बॉक्स पे राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद फंक्शन ब्लॉक पे क्लिक करें। उसके बाद हमारा यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगी। तो स्टैंडर्ड फंक्शन ब्लॉक में पहले प्रोग्राम पे क्लिक करें। उसके बाद काउंटर फोल्डर पे क्लिक करके यहाँ पे CTU काउंटर पे डबल क्लिक करें। जैसे डबल क्लिक करूँगा यह काउंटर आ जाएगा। उस काउंटर को मैं एक C1 एड्रेस देता हूँ। उसके बाद इंटर दबाने के बाद एक विंडो ओपन हो जाएगी। क्लास में वेरिएबल नेम में C1, टाइप में CTU, उसके बाद ओके दबाना है। जैसे ही ओके दबाएंगे, रिसेट में हमें काउंटर को रिसेट करने के लिए एक एड्रेस देना है, परसेंटेज IX0.1। इसको मैंने एक एड्रेस दिया। अब प्रीसेट वैल्यू में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मुझे पाँच लेता हूँ। उसके बाद पाँच लेने के बाद एक क्यूब मतलब हमारा आउटपुट रहता है, और CV मतलब हमारा करंट वैल्यू रहती है। तो करंट वैल्यू का हमें एक वेरिएबल देना है, उसको मैं ए देता हूँ। उसके बाद इंटर दबाता हूँ। ए देने के बाद जैसे ही इंटर दबाऊंगा वेरिएबल की विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें क्लास वेरिएबल रखना है। उसके बाद यहाँ पे ए, और उसके बाद टाइप पे हमें क्या करना है, इंटीजर पे क्लिक करना है। उसके बाद ओके पे क्लिक करके और एक बार ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद हमें एक आउटपुट लेना है। तो आउटपुट के लिए क्या करते हैं, हम एक आउटपुट कॉल लेते हैं, उसका एड्रेस देता हूँ, परसेंटेज QX0.0। उसके बाद इंटर दबाता हूँ। उसके बाद हमें क्या लेना है, इक्वल लेना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो हमारे कंपेयर रहते, तो कंपेयर में EQ मतलब इक्वल, यानी मतलब नॉट इक्वल, लेस देन मतलब LT मतलब लेस देन, और आपको LE मतलब लेस देन और इक्वल, GT मतलब ग्रेटर दैन, और GE मतलब ग्रेटर दैन और इक्वल, यह इंस्ट्रक्शन रहते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना है, इक्वल और नॉट इक्वल लेना। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, दो नेटवर्क लेता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे दो लेने के लिए तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दो नेटवर्क लेता हूँ। और नेटवर्क पे क्लिक करके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे असाइन ब्लॉक पे राइट क्लिक करके यहाँ पे बॉक्स विद EN पे क्लिक करता हूँ। जैसे बॉक्स विद EN पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे N का ब्लॉक आ जाएगा। आपको इक्वल लेना है तो क्या करें, ND पे क्लिक करके यहाँ पे इक्वल लेना है तो EQ डालें। उसके बाद इंटर दबाएं। जैसे इंटर दबाऊंगा यहाँ पे EQ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें जो आपने टाइमर लिया या काउंटर लिया है उसके करंट वैल्यू मतलब एक्यूमुलेटर में जो आपने वेरिएबल दिया है उसको यहाँ पे देना है। यहाँ पे मैं ए देता हूँ, तो मैंने ऊपर ए दिया तो यहाँ पे ए देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दो वैल्यू देता हूँ मतलब इक्वल। जैसे ही दो प्रीसेट में दो हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो हमारा आउटपुट ग्लो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, एक आउटपुट का एड्रेस देता हूँ, परसेंटेज QX0.0। उसके बाद इंटर दबाता हूँ। अब उसके बाद मुझे नॉट इक्वल लेना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक असाइन बॉक्स लेता हूँ, असाइन बॉक्स पे क्लिक करके एक बॉक्स लेता हूँ, उस बॉक्स में EN, उसको मैं यहाँ पे यानी देता हूँ। जैसे यानी दूंगा तो यहाँ पे ग्रे मतलब येलो में आ जाएगा, तो सॉरी ब्लू में आ जाएगा। तो समझ लो आपका जो बॉक्स है वो करेक्टली आ गया है, नॉट इक्वल करेक्टली आ गया है। तो उसको मैं क्या करता हूँ, एड्रेस देता हूँ ए। उसके बाद यहाँ पे 2 देता हूँ। यहाँ पे मैं वैल्यू इसलिए सेम ले रहा हूँ क्योंकि आपको इक्वल और नॉट इक्वल का डिफरेंस जल्दी समझ में आ जाए। तो उसको मैं क्या करता हूँ, एक आउटपुट परसेंटेज QX0.2, सॉरी यहाँ पे मैंने एड्रेस सेम दिया, तो इसको मैं 1 कर देता हूँ। उसके बाद इसको मैं रन करता हूँ। तो रन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बिल्ड पे क्लिक करना है, बिल पे क्लिक करने के बाद हमें ऑनलाइन में जाकर सिमुलेशन मोड पे क्लिक करना है। सिमुलेशन मोड पे क्लिक करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन करेक्टली हो जाएगी तो यहाँ पे देख लीजिए। अब उसके बाद क्या करना है, रन पे क्लिक करना है। अब देख लीजिए रन पे क्लिक करने के बाद नॉट इक्वल। अब इक्वल और नॉट इक्वल का डिफरेंस क्या, यहाँ पे देख लीजिए इक्वल और नॉट इक्वल। यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ कि इक्वल और नॉट इक्वल कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले इक्वल,
तो देख लीजिए यहाँ पे जो वेरिएबल ए है और यहाँ पे टू है, तो जब इसकी वैल्यू इससे मैच हो जाएगी तो हमारा आउटपुट ग्लो होने लगेगा, मतलब इक्वल जब हो जाएगी तो हमारा आउटपुट ऑन हो जाएगा। और नॉट इक्वल जो है, नॉट इक्वल मतलब जब यहाँ पे टू आ जाएगा तो उस टू के लिए ही हमारी हमारा जो आउटपुट है वो ऑफ हो जाएगा, फिर बाकी के लिए ऑन रहेगा। तो देख लीजिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डबल क्लिक करके ऑन करके राइट वैल्यू कर देता हूँ। जैसे एक पल्स दूंगा तो यहाँ पे एक पल्स आ जाएगी, उसके बाद मैं उसको दूसरी पल्स दे देता हूँ। देख लीजिए यहाँ पे मैंने जैसी दूसरी पल्स दे दी तो वो क्या हुआ, टू के लिए ऑन हुआ, मतलब जैसे वैल्यू इक्वल हुई तो इक्वल होने के बाद हमारा आउटपुट हाई हो गया। और जैसे नॉट इक्वल में टू आ गया तो ये नॉट इक्वल हो गया, मतलब उसके लिए टू के लिए ये लो हो गया, मतलब ऑफ हो गया, तो फिलहाल बाकी के लिए नॉट इक्वल ऑन रहेगा। तो देख लीजिए यहाँ पे ये देख लीजिए बाकी के लिए ऑन रहेगा, लेकिन सिर्फ दो के लिए टू के लिए ऑफ रहेगा। यहाँ पे वो टू के लिए सिर्फ ऑन रहेगा, बाकी के लिए ऑफ रहेगा। तो ये रहा हमारा इक्वल और नॉट इक्वल का डिफरेंस। उसके बाद देखते हैं हम लेस देन और इक्वल। यहाँ पे आपको लेस देन लेना है तो आप क्या कर सकते हैं, या इस असाइन बॉक्स पे राइट क्लिक करके यहाँ पे बॉक्स विथ ई एन पे क्लिक करके यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एल टी टाइप करके इंटर दबा सकते हैं। उसके बाद क्या है, आपको यहाँ पे वेरिएबल में ए देना है, उसके बाद आपको टू देना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, एक आउटपुट का एड्रेस देना। तो उसको मैं क्या करता हूँ, परसेंटेज क्यू एक्स जीरो डॉट टू ए एड्रेस देता हूँ, उसके बाद इंटर दबाता हूँ। अब हम क्या करते हैं, एल टी को रन करके देखते हैं। देख लीजिए अब जो लेस देन मतलब यहाँ पे हमने टू दिया है तो ये टू के नीचे ही ऑन रहेगा, उसके बाद वो क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। तो देख लीजिए यहाँ पे मैं इसको राइट वैल्यू कंट्रोल प्लस F7 से कर रहा हूँ। देख लीजिए मैंने यहाँ पे दो पल्स दे दिए, उसके बाद दो के बाद क्या हुआ, ये लेस देन टू के लिए ऑफ हो गया, मतलब उसके बाद ये टू के नीचे ऑन रहेगा, फिर बाकी के लिए ये ऑफ रहेगा। देख लीजिए यहाँ पे उसके बाद हम लेते हैं लेस देन और इक्वल। यहाँ पे हमने लेस देन और इक्वल लिया, ये देख लीजिए, ये लिए मतलब यहाँ पे हमने आपको पहले ही बताया यहाँ पे लेस देन और इक्वल लेना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये लिए डाल सकते हैं। तो अब लेस देन और इक्वल मतलब लेस देन में क्या होता है कि टू के नीचे ही आपका आउटपुट क्या रहेगा, ऑन रहेगा, लेकिन लेस देन और इक्वल में क्या होगा, टू के ऊपर जाने तक भी आपका आउटपुट ऑन रहेगा, जब टू के ऊपर जाएगा तो आपका आउटपुट ऑफ हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, कंट्रोल F7 से पल्स देता हूँ, एक पल्स दे दी उसके बाद दूसरी पल्स देता हूँ। अब देख लीजिए यहाँ पे जैसे मैं उसको थ्री हो जाएगा, तो जैसे थ्री हो जाएगा उसके बाद क्या हो जाएगा, ये आउटपुट ऑफ हो जाएगा, लेकिन लेस देन में जैसे ही टू होता है वैसे ही हमारा आउटपुट क्या होता है, ऑफ होता है। लेकिन लेस देन और इक्वल में क्या होता है, जब यहाँ वेरिएबल में तीन आता है तो हमारा आउटपुट क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। तो उसके बाद हम देखते हैं ग्रेटर देन। यहाँ पे देख लीजिए मैंने क्या किया, यहाँ पे GT लिया। तो अब देख लीजिए ग्रेटर देन मतलब जो हमारा आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, टू के ऊपर ही ऑन रहेगा, टू के नीचे ऑन नहीं रहेगा, ऑफ रहेगा टू के नीचे। देख लीजिए मैं इसको कंट्रोल प्लस F7 से एक एक पल देता हूँ, ये मैंने पल्स दी, उसके बाद यहाँ पे मैंने उसको दूसरी पल्स दी। अब ये देख लीजिए यहाँ पे टू आ गया, अब जैसे तीन हो जाएगा, जैसे थ्री हो जाएगा तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे जैसे ही तीन हो गया, वेरिएबल में थ्री हो गए तो हमारा आउटपुट ऑन हो गया। अब थ्री के ऊपर हमारा आउटपुट क्या रहेगा, ऑन ही रहेगा। देख लीजिए मैं इसको एक एक पल्स देता हूँ, ये थ्री के ऊपर हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, ऑन ही रहेगा। तो उसके बाद हम देखते हैं ग्रेटर देन और इक्वल। यहाँ पे देख लीजिए आपको ग्रेटर देन और इक्वल लेना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जी डाल के क्या कर सकते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल ले सकते हैं। तो ग्रेटर देन लेने के लिए GT और ग्रेटर देन इक्वल लेने के लिए GE। तो हम क्या करते हैं, अब ग्रेटर देन और इक्वल का हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं। तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, एक एक पल्स देते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए जैसे ही अब मैं इसको पल्स दूंगा, यहाँ पे एक एक काउंट हो जाएगा,
यहाँ पे मैं कंट्रोल प्लस F7 से यहाँ पे पल्स दे रहा हूँ। अब देख देख लीजिए, जो हमारा ग्रेटर दैन था तो उसमें क्या हुआ था, ग्रेटर दैन में क्या होता है, जैसे ही 3 होता है तो हमारा आउटपुट ऑन होता है, लेकिन ग्रेटर दैन इक्वल में क्या होता है, जैसे वेरिएबल में 2 और जो हमने ग्रेटर दैन इक्वल में 2 दिया है वो मैच हो जाएंगे तो इक्वल हो जाएंगे, तो हमारा आउटपुट क्या होता है, ऑन होता है। लेकिन ग्रेटर दैन में तो वैसा नहीं, जब यहाँ पे 3 हो जाएगा मतलब मोर देन 2 हो जाएगा तो हमारा आउटपुट यहाँ पे ऑन होता है। तो ये रहा हमारा कंपेयर। तो इस कंपेयर में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।